नमस्कार दोस्तों, बहुत से युवा साथी शिक्षित होने के बाद भी आज बेरोजगारी की दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा अच्छा एक प्लान लेकर आए हैं, जिसमें युवा साथी अपने इस एक नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको 1,60,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाती है। इस लोन के अंतर्गत आप अपने इच्छा अनुसार दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस या बकरी पालन संबंधी या कोई मुर्गी पालन या मछली पालन से संबंधित आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि आपको इस लोन के लिए किस प्रकार आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रकार की तमाम जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारी सरकारी योजना YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जरूर प्रेस कर लें। वैसे तो दोस्तों, हमने एक पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि गाय भैंस पर लोन कैसे मिलता है, कैसे लिया जाता है और कैसे डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ती है। तो उस वीडियो में बहुत से दोस्तों ने कमेंट किए थे, उस कमेंट के बारे में सबसे पहले उन कमेंटों के हम जवाब देते हैं। अभी रिवांशु का एक कमेंट आया है जिसमें उसने पूछा है कि कैसे ऑनलाइन होगा, मेरे पास डेयरी फार्मिंग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने नजदीकी, अगर आपके पास डेयरी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप अपने नजदीक में जो भी बैंक शाखा है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें जाकर आप डेयरी लोन से संबंधित पूरी जानकारी लीजिए। वहां से आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद वहां से आपको अपने बैंक अकाउंट से लोन की राशि मिल जाएगी। तो दूसरा एक दोस्त कमेंट कर रहा है कि भैया, इस लोन को लेने के लिए हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको मात्र 4% ब्याज की इंटरेस्ट रेट देनी होगी, और वहीं अगर आपके पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आपको 7% ब्याज की दर देनी होगी, यानी आपको 70% इंटरेस्ट देना होगा, तभी आपको इस लोन की प्राप्ति समय पर भुगतान करेंगे। तो इसमें कुछ प्रकार की अनुदान सहायता भी दी जाती है बैंक की ओर से, लेकिन यह बैंक अनुदान हर साल आपको मिलता है, कब मिलेगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको बैंक के द्वारा मिल जाएगी। अगला एक कमेंट आया है कृष्ण गुप्ता का, इसमें पूछा है कि सर, 2 गाय लेना है, कितना लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, लोन की एक एक गाय की पर गाय की राशि सरकार ने 40,000 रुपया रखी है। अगर आपको 2 गाय लेनी है तो फिर आपको 80,000 रुपया सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसमें सरकार ने जो आपकी इच्छा अनुसार कोई भी पशु लोन या कोई भी पशु व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे मुर्गी पालन शुरू करो या कोई मछली पालन या मुर्गी पालन या कोई भेड़ बकरी, कोई भी व्यवसाय शुरू करें, उसमें अलग अलग रेट के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। जिसमें आपको बता देते हैं कि अगर आप भैंस लोन लेना चाहते हैं, भैंस पर लोन लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार 60,269 रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान करेगी, और अगर बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपया दिए जाएंगे। वहीं अगर आप मुर्गी पालन को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 720 रुपया के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अब आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से व्यवसाय में अच्छी रुचि रखते हैं, कौन से व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं जिससे आने वाले भविष्य की आपकी जो परिवार की जो आर्थिक स्थितियां है उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। रामाकांत यादव का सवाल है कि गाय पहले खरीदने के बाद लोन मिलेगा या फिर लोन लेने के बाद गाय खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये आपकी नजदीकी जो बैंक शाखा है उस पर निर्भर करता है कि बैंक आपको किस प्रकार का रिएक्शन आपके साथ करती है, किस प्रकार बर्ताव करती है, या आप पर डिपेंड करता है, और बैंक शाखा जानती है कि ये कस्टमर अच्छी तरह अपना व्यवहार कर सकता है, और अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार अलग अलग बैंक शाखाओं में अलग अलग नियम है। वैसे तो हिसाब तो यही है कि पहले आपको लोन दिया जाए, उसके बाद उस लोन राशि से आप गाय भैंस को खरीद सकते हैं। इस प्रकार की कई सारी योजनाएं और भी है सरकारी योजनाएं जिस पर आपको लोन दिया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, बताई गई लोन से संबंधित अगर फिर भी आपके कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम अगले वीडियो में उसी सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे। और इससे अन्य भी जानकारियां आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, जैसे कोई सरकारी योजना आई है या अन्य कोई उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों की अगर कोई भी योजना शुरू की जाएगी, उन सभी योजनाओं की लेटेस्ट जानकारी आपको
इस चैनल पर आपको जरूर बताई जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि नया वीडियो बनाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो दोस्तों आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निस्फिक्र होकर आप सवाल कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब अगले वीडियो में जरूर देंगे। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।